नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 मार्च 2024 को दैत्य गुरु शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और बुध के साथ युति बनाकर बलवान हो रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं और 31 मार्च 2024 तक ये कुंभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र किन किन क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले जातकों को शुभता प्रदान करने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो कुंभ राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके राशि के भाग्य भाव और आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, यानी आपके लिए प्रबल राजयोग कारक ग्रह, प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो वर्तमान में आपके जीवन में शुक्र कैसा प्रभाव देंगे, देखिए ज्योतिष में शुक्र को एक प्रबल शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को वैवाहिक जीवन, गृहस्थ सुख, रेशमी वस्त्र, प्रेम जीवन, वाणी, व्यक्तित्व और मान सम्मान का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का विशेष आधिपत्य होता है। बलि शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक सुखों को जातक आसानी से प्राप्त करता है। शुक्र का बलि प्रभाव व्यक्तित्व में और वाणी में विशेष आकर्षण देता है। बलि शुक्र का प्रभाव क्रिएटिव क्षेत्रों में जातक को विशेष ऊंचाइयां दिलवाता है, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, ऐसे क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि उत्पन्न होती है और अगर ऐसा व्यक्ति प्रयास भी करे तो इन क्षेत्रों में विशेष उन्नति अर्जित कर सकता है। वही कमजोर शुक्र का प्रभाव जीवन में भौतिक दरिद्रता देता है। वैवाहिक जीवन की परेशानियां जीवन में होती है। शुक्र के पीड़ित होने पर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है और शुक्र अगर कमजोर हो तो मानसिक बीमारियां भी आसानी से होने लगती है। इसके लिए उपाय भी करके शुक्र को ठीक किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में शुक्रदेव आपको शुभता देने वाले हैं। देखिए 7 मार्च 2024 को शुक्र आपके राशि के प्रथम भाव पर बलवान होने वाले हैं और सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो फलादेश हम आपको बता रहे हैं ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कुंभ राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके सुख भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके लगन भाव में, यानी आपके प्रथम भाव पर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, यानी बलवान हो रहे हैं। कुंडली के प्रथम भाव से आचार, विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव के बारे में विचार किया जाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की सफलता इस अवधि के दौरान आपको मिल सकती है। प्रथम भाव पर शुक्र के प्रभावी होने से आप इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में अच्छे अवसरों को प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। वर्तमान में ऐसे जातक जिनका जुड़ाव शुक्र जनित क्षेत्रों में है, जैसे यदि आप संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, कोरियोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, कपड़े से संबंधित व्यापार, ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, होटल या रेस्टोरेंट के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में कर्मरत जातकों को सफलता मिलने वाली है। शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों स्तर पर आपको शुक्रदेव तनाव से मुक्ति देने वाले हैं। प्रथम भाव पर प्रभावी होंगे तो आपके जीवन में आपको मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती देंगे और शारीरिक मामलों में भी आपको शुभता प्रदान करने वाले हैं। शुक्र का शुभ प्रभाव आपके जीवन में वैवाहिक सफलता देने वाला है। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर जा रही है, तो जिन कुंभ राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है और ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं और पिछले समय से यदि आप किसी प्रकार के निराशा या प्रतिकूलताओं का सामना कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको शुक्रदेव विशेष शुभता देंगे और आपको सभी प्रकार की वैवाहिक परेशानियों से भी निजात देने जा रहे हैं।
और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रथम भाव पर शुक्र का प्रभाव होगा, तो आपके जो व्यक्तित्व है, जो आपकी वाणी है, उसमें आकर्षण काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। और वर्तमान समय में शुक्र की जो दृष्टि है दर्शकों, वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर भी यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। धन कमाने की प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंदर जागृत होगी और वर्तमान में आप बुद्धिमानी के साथ संतुष्टि पूर्वक आसानी से लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। खास तौर से कुंभ राशि के ऐसे जातक जो व्यापार के क्षेत्रों में चल रहे हैं, उनको विशेष लाभ होगा। कर्म क्षेत्र के मामले में नौकरी पेशा जातक भी आप अपने जीवन में दीर्घकालिक उद्देश्यों को लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं धन के मामले में। और वर्तमान समय में आप अपने जीवन में कई प्रकार की रुकी हुई योजनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में शुक्र का जो प्रभाव है वो आपको पारिवारिक संतुष्टि देने वाला है, पारिवारिक आराम क्षेत्र में वृद्धि करवाने वाला है, कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग दिलवाने जा रहा है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में आसानी से आपको मिलने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शुक्र जनित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए शुक्रवार के दिन आपको सफेद चीजों का दान जरूर करना है, जैसे चावल, मिश्री, कपास, दुग्ध, सफेद वस्त्र। इन चीजों का दान यदि आप ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने के पश्चात किसी सात्विक ब्राह्मण को करेंगे तो आपको विशेष शुभ परिणाम मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली पर शुक्र जनित दुष्प्रभाव है, उससे भी आपको निजात मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।